सो हे गाइस एंड वेलकम बैक टू अनदर गेम प्ले वीडियो। जैसा कि आप लोगों को बताया, मैं हाल ही एक दो दिन पहले यार वर्ल्ड कप करने वाला था। कल ही यार क्या बोलूँ, बहुत ज़्यादा बुरा फील हुआ। आप लोगों को भी, जितने भी मेरे फैंस हैं एंड वर्ल्ड में छाए हुए थे भाई मेरे फैंस, और सबको ये बोलते भाई यस भाई इस बार तो वर्ल्ड कप कर लेगा भाई, कर लेगा भाई। और तुम्हारा भाई कर भी लिया था यार, इतना मेहनत से देखो यार यहाँ पे सबसे वन नंबर पे हूँ मैं, ठीक है सोचो तो। और ये गधा आगे भाई क्या लगाया, ये ग्लिच क्या की है क्या मुझे नहीं पता, बट मैं एक फेयर प्लेयर होकर भाई यहाँ तक आ गया हूँ। कोई चीटिंग करके अगर मुझसे आगे बढ़ गया तो भाई रियल विनर वो नहीं होता भाई। सो अगर ये ना होता तो मैं ही वर्ल्ड कप होता, ऐसे कंट्री पे वन नंबर पे मैं ही हूँ, ठीक है। एंड कर लिया, एंड मैं नहीं चाहूँगा यार कि मैं दोबारा करूँ भाई। फिर दोबारा करने के बाद देखो यार यहाँ पे क्या हुआ मेरे साथ लास्ट डेज में, यानी कि 5 घंटे बचे हैं अब वर्ल्ड कप जो लीडर बोर्ड है वो ख़त्म होने में, ठीक है। 5 घंटे में इन्होंने आ गया भाई मेरे आगे, मात्र 16 गेम खेल के उन्होंने सबसे आगे जो है ऊपर आईडी रैंक करा दिया। सो ये कैसे पॉसिबल है यार, मुझे तो नहीं लगता, ठीक है कैसे पॉसिबल है, ये इम्पॉसिबल बात है। यहाँ पे 51 मिनट्स ओनली बचे हुए हैं और मुझे बहुत दुख हुआ भाई, इतना मेहनत करके अगर मैं किया हूँ उसके बावजूद भी अगर ऐसा सीन हो जाए तो। लाइव स्ट्रीम भी मैंने किया था बट उसमें मैंने सारी चीज़ें बताई थी, बट चलो कोई बात नहीं भाई, न्यू गेम है तो ये हो सकता है ग्लिच वगैरह। सो मैंने बोल दिया भाई कैरम क्रिकेट टीम को कि जिसे जितना जल्दी हो सके ये सारा कुछ यहाँ पे फिक्स किया जाए। एंड यहाँ पे स्ट्राइकर वगैरह हैं सो इसे अपग्रेड करते हैं भाई, ठीक है जल्दी से अपग्रेड करते हैं। उसके बाद देखते हैं कि भाई हम लोग जो वर्ल्ड कंट्री में रैंक किए क्या क्या मिलता है, ठीक है। तो उसका हम लोग ये देखेंगे क्या क्या रिवॉर्ड्स हमें मिलता है और कैसा कैसा सीन दिखता है भाई, ठीक है। सो यहाँ पे देखो भाई, यहाँ पे लैंग्वेज रिजल्ट, ठीक है। और क्या बोलता है इसको ना, मुझे मेरा कन्फ्यूजन हो जाता है भाई इसको, ठीक है। सो यहाँ पे सेकेंड नंबर पोजिशन पर, अरे सेकेंड नंबर पर नहीं भाई, हाँ बांग्लादेश वाला जो बंदा था वो कर गया था भाई, फर्स्ट कर गया था क्योंकि, ठीक है। बट कंट्री में देखते हैं, कंट्री पे तो वन नंबर पे आए हैं अपन, एंड यहाँ से बैक जाते हैं उसके बाद देखते हैं भाई। ओके कंट्री में यहाँ पे देखते हैं तो फर्स्ट 100 जेम्स मिले हम लोग को, कंट्री पे ओनली 100 जेम्स, यार बहुत कम है भाई, बहुत कम है। बट कोई नहीं, हम लोग जेम्स के लिए नहीं लड़ रहे थे यार। मैं यहाँ पे क्या है, ओके यहाँ पे मैंने सेकेंड किया, 250 जेम रिवॉर्ड मिला यहाँ पे हम लोग को वर्ल्ड में, ठीक है। जबकि हम लोग फर्स्ट में, यार जगह मेरी फर्स्ट में थी भाई, रियलिटी बोलूँ कि जगह मेरी फर्स्ट में थी बट हम लोग को लाया गया है सेकेंड में। सो पता नहीं क्या कर रहा है, एंड होप यार कोई बात नहीं, लेकिन कंट्री पे तो वन हो गए भाई। मैं इस कॉइंस या जेम्स के लिए नहीं खेल रहा था, बस मैं खेल रहा था कि मेरी आईडी जो है वो फेयर दिखे और एक नंबर पर रैंकिंग दिखे वर्ल्ड में भी और कंट्री में भी, तो मैं ये चाह रहा था। बट वर्ल्ड में नहीं हो पाया, 2 नंबर पे आया। एंड कर ही लेता भाई, तुम्हारा भाई ने तो कर भी लिया था, आप लोगों का बहुत सारे लोगों का डिमांड था भाई। सो तुम्हारा यस भाई यार, आप लोगों का जो है जो उम्मीद रखा था आप लोगों ने वो मैं पूरा ही करने वाला था, जस्ट 5 घंटे पहले सारा उम्मीद में पानी फिर गया यार। सो मुझे बहुत बुरा लगा, काफ़ी बुरा लगा यार, और आप लोग को भी बुरा लगेगा भाई इस तरीके से एक फेयर प्लेयर के साथ हरकत हो, एक फेयर यूट्यूबर के साथ, क्योंकि मैं फेयर खेलता हूँ भाई, आप लोगों को तो पता होगा। और इस आईडी में भी फेयर खेल के मैं वर्ल्ड टॉप करने वाला था, बताओ यार और क्या क्या सीन हो जाता है मेरे साथ। सो वो मैं ही जानता हूँ, एंड कोई बात नहीं भाई, एंड लोगों को पता है भाई रियल विनर कौन है, ठीक है। सो भाई वो अपने आप में खुद ट्रॉफी लेकिन उसको दी गई है, लेकिन रियल विनर मैं हूँ भाई बस। सो यहाँ पे लकी बॉक्स खेलते हैं क्योंकि जेम्स तो हमारे पास बहुत हो गए हैं, एंड लकी बॉक्स को जितना तक है लकी बॉक्स पूरा खेलते हैं भाई, ठीक है। पहला में, दूसरा में हम लोग चौथे को सेलेक्ट किए, ठीक है। सो तीसरा में कौन सा, फर्स्ट को सेलेक्ट करते हैं। सो 20 हमारे पास 500 से प्लस जेम्स हो चुके हैं, तो हम लोग खेलेंगे अभी लकी बॉक्स पूरा खेलेंगे भाई, जहाँ तक है वहाँ तक एंड तक खेलेंगे, ठीक है। यहाँ पे हम लोग को 25 जेम्स लगेंगे भाई, 25 जेम्स देते हैं अभी एड नहीं देखेंगे यार, वो क्या आया था ना थोड़ा बहुत मेरे पास जेम्स आया था ना भाई, मेरी मुझे एड देखने का मन नहीं करता यार बहुत ज़्यादा जान पूछ के। ओके यहाँ पे फर्स्ट पे क्लिक किया, एंड 7वें नंबर पे दूसरे को सेलेक्ट किया, यहाँ पे ये क्या होता है भाई ये मुझे समझ में नहीं आ रहा। एंड 8 नंबर पे हम लोगों ने तीसरे बॉक्स को सेलेक्ट किया, एंड 9th नंबर पे ओके। एंड सुना है यार कैरम पुल में कुछ हो रहा है, सो थोड़ा सा वेट करो और भी कुछ होगा, ठीक है। एंड बस आप लोग समझ गए होंगे जिसको मैं ये बोल रहा हूँ, थोड़ा सा वेट करो और भी कुछ होगा, ठीक है। सो विकेट, यहाँ पे विकेट चली गई भाई, फिर से हम लोग को 50 जेम्स लगेंगे यहाँ पे, ठीक है। बाकी गेम प्ले देखो, आज गेम प्ले भी लाया हूँ आप लोगों के लिए, इनडायरेक्ट गेम प्ले जो कि मेरी प्रैक्टिस है इनडायरेक्ट गेम प्ले की, एंड वो देखो आप लोग इस गेम में कि मैं कैसे इनडायरेक्ट वगैरह प्ले करता हूँ, क्योंकि ये भाई अभी न्यू गेम है और इसमें इनडायरेक्ट खेलना बहुत ज़्यादा मुश्किल है, ठीक है। लेट्स सी तुम्हारे यस भाई को इनडायरेक्ट का किराया भाई, वो तो इनडायरेक्ट खेलने में मज़ा आता है मेरे को, ठीक है। सो मैं तो ट्राई करूँगा भाई, चाहे मिलियंस हो या फिर जहाँ पे भी हो, मिलियंस में खेलता हूँ भाई इनडायरेक्ट तुम्हारा यस भाई, ठीक है। तो आज देखना आप लोगों को पता लग जाएगा, ठीक है। सो लेट्स सी, कंप्लीट देखो वीडियो को, मज़ा आएगा। और अभी तक अगर आप लोगों ने लाइक नहीं किया है वीडियो को तो लाइक कर दो, और चैनल पर नया हो तो चैनल को कर लो सब्सक्राइब जल्दी से फास्ट, एंड एंड तक बने रहना, कुछ सरप्राइज़ है आप लोगों के लिए, बहुत ज़्यादा सरप्राइज़ है। सो एंड तक बने रहना, ठीक है।
सो जो जो एंड तक बने रहेंगे भाई उसी को सरप्राइज मिलेगा, ये बाकी नहीं मिलेगा भाई, ठीक है? तो प्लीज़ एंड तक बने रहो। ओके, हम लोग को बहुत सारे बॉक्सेस मिले हैं एंड 20 लेवल तक पहुंच पाए। हम लोग को कुछ ही जेम्स लॉस हुए, मात्र 100 या 150 जेम्स लॉस हुए। चलो कोई बात नहीं भाई, जेम्स बहुत है अपने पास, ठीक है? जेम्स भी बहुत है भाई, कॉइन्स भी बहुत है भाई, बहुत है अपने पास, ठीक है? यहाँ पे देखो एक स्ट्राइकर मिल चुका है हम लोग को। क्या नाम है इसका? नेक्सस रेयर, ओके। पर्पल हेल, इसमें क्या नाम था भाई? पर्पल हैज, ओके। यहाँ पे भी हम लोग को एक स्ट्राइकर मिल चुका है एंड यहाँ पे देखते हैं एक स्ट्राइकर अपग्रेड। ओके, अपग्रेड कर लेंगे उसको भाई। बहुत कॉइन्स है यार अपने पास, बहुत कॉइन्स। जिसको कॉइन्स वगैरह लेना हो, ठीक है, जेम्स वगैरह जो भी लेना हो, मैंने व्हाट्सअप का नंबर डिस्क्रिप्शन में दे दिया है और या फिर आप लोगों को कमेंट में पिन किया हो मिल जाएगा, तो कमेंट में जाओ, वहाँ पे सीधा आप लोगों को लिंक मिल जाएगा व्हाट्सअप का, वहाँ पे जाके मुझे मैसेज करो। हाँ यार, जिसको लेना है सिर्फ वही मैसेज करना भाई, फालतू का मैसेज करोगे तो ब्लॉक कर दिया जाएगा, कॉल मत करना, सिर्फ मैसेज अवेलेबल है। एंड कैरम पुल का नहीं, कैरम पुल का नहीं सेल करता मैं भाई, ठीक है? सो कैरम क्रिकेट का आप लोग ले सकते हो कॉइन्स, जितना भी चाहे जितना चाहे ले सकते हो, सो फ्री नहीं है। सो कमेंट में मैंने पिन कर दिया है, ठीक है, व्हाट्सएप नंबर अपना, वहाँ से जाके मुझे मैसेज करो। जिसको लेना है वही करो यार, फालतू में टाइम पास मत करना, ठीक है? सो अब देखते हैं भाई क्या सीन होता है। एंड कमेंट में पिन कर दिया व्हाट्सएप नंबर, जल्दी से जाओ चेकआउट करो और देखो भाई कैसे ऑफर्स है। बहुत सस्ते सस्ते भाई, बहुत ही लोएस्ट प्राइस में, ठीक है। 423 जेम्स है अभी वैसे भी तो, लेकिन बॉक्सेस यहाँ पे देख रहे हो कंटिन्यू। यहाँ पे हम लोगों ने 42 जेम्स लगा के और भी एक बॉक्स ओपन कर लिया भाई। ओके, यहाँ पे ये हम लोगों को ये स्ट्राइकर मिला कोल्ड फ्लावर। ओके, अच्छी बात है यार, अगर ये स्ट्राइकर सारे स्ट्राइकर हैं वो अपग्रेड हो जाते हैं ना तो भाई बहुत ज़्यादा मजा आएगा। यहाँ पे देखो मेरी इनडायरेक्ट की जो प्रैक्टिस है, ठीक है? सो यहाँ पे देखो कैरम पुल की तरह खेलेंगे इसको। देखो ये शॉट भाई कैसा लगा, ये शॉट इसमें कैरम क्रिकेट में भाई, तो मुझे ज़रूर कमेंट में बताना। उसके बाद ये शॉट भी हार्ड है एंड यहाँ पे सुपर एम दिया गया है, चाहूँ तो मैं सुपर एम भी यूज़ कर सकता हूँ और ये मिलियन वाला गेम प्ले है, ठीक है? लेकिन मैं सुपर एम यूज़ नहीं करूँगा भाई, एंड मैं हारूँ या जीतूँ मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अपने पास बहुत सारे कॉइन्स है, बहुत पैसा है अपने पास, क्या ही बोलूँ। सो वो मुझे बस खेलना है, ट्राई करना है एंड प्रैक्टिस करना है भाई। सो अभी मैंने प्रैक्टिस कर लिया कुछ इस तरीके से। यहाँ पे देखो डबल कनेक्शन, ये थोड़ी सी हार्ड है, बट ट्राई करने में क्या था, बट थोड़ा सा चुक गई यार, बहुत ही करीब से दो पक्स को कंटिन्यू हम लोगों ने इंडिया खेला, बहुत अच्छा शॉट। एंड यहाँ पे सामने वाला जो ओपन है वो भाई यार सिंपल शॉट खेले जा रहे थे, मुझे बहुत बुरा लगा यार। चलो कोई नहीं भाई, एंड सामने वाले को क्या पता कि भाई इंडिया क्या होता है, उनको पता नहीं था, लेकिन मैं सारे पक्स को इंडिया खेलता था। और भी फेयर सामने वाले को ये भी लगता होगा कि भाई ये कोई एम लगा के खेला होगा, सुपर एम जो दिया गया है ऑप्शन, तो वो लगा के शायद खेल रहा होगा, बट मैं नहीं भाई, ज़्यादातर तो मैं इसको यूज़ नहीं करता हूँ, मैं कभी कभी यूज़ करता हूँ, ठीक है? जब मुझे वर्ल्ड कप करना था तभी मैं इसको बहुत ज़्यादा यूज़ कर रहा था, लेकिन अभी मैं इसको यूज़ नहीं करता भाई। जब अभी मुझे स्किल बनानी है भाई इस गेम में, ठीक है, अच्छे तरीके से स्किल बनानी है, उसको अच्छे तरीके से खेलना है, ठीक है? बाकी देखो आप लोगों को जिस तरीके से यहाँ पे देखो सिंपल खेल रहे हैं। अभी इनके पक्ष दो पक्ष जो है वो फंस गई है गाइस, अभी इनको समझ में नहीं आ रहा कि भाई क्या करूँ यहाँ पे, ठीक है? सो यार और भी गेम्स आप लोगों को चाहिए क्या, और भी गेम्स वगैरह कोई खेलूँ तो बताओ मुझे ज़रा कमेंट में, कोई अच्छा गेम हो तो कैरम पुल से रिलेटेड कोई, ठीक है? सो अभी क्या करते हैं, इसको खेलते हैं, नहीं क्या खेलेंगे भाई यार, यहाँ पे तो मुझे नहीं लग रहा है, कहीं पे दिख नहीं रहा है शॉट, देखते हैं क्या करते हैं। अगर इंडायरेक्ट खेलते तो जाती है, ये मेरे पक्ष को पॉकेट करने जा रहे हैं कभी कभी यार। ओके, इन्होंने हिट कर दिया, उसको लगा कि भाई ये तो भाई इंडायरेक्ट खेलेगा ही, सो अपन इसका फ़ायदा उठा लेते हैं। चलो कोई बात नहीं, उठा लो भाई, मैं तो इंडायरेक्ट ही खेलूंगा। उसके बाद यहाँ पे ये इंडायरेक्ट शॉट देखो भाई, कैरम पुल का ही इंडायरेक्ट शॉट है ये। सो कैसा लगा आप लोगों को कमेंट में जरूर बताना, ठीक है? उसके बाद ये लास्ट वाली जो पक्स, इसको थोड़ा सा हार्ड खेलेंगे कुछ इस तरीके से एंड ये फेल हो जाती है भाई, बहुत ज़्यादा बुरा लगता है दिल से। एंड जिस तरीके से वर्ल्ड कप में हार गया, वर्ल्ड कप में ऐसे तो हारा नहीं, मैं जीता हूँ, बट ट्रॉफी नहीं मिला अपने को, ट्रॉफी जो था एंड अपने आईडी में शो होते भाई वर्ल्ड नंबर वन पे, तो कितना अच्छा लगता देखने में। वैसे टू में हूँ तो चलो खुश हूँ भाई, बहुत ज़्यादा फेयर खेल के किया हूँ तो बहुत ज़्यादा खुश हूँ भाई, और आप लोग तो जानते होंगे, ठीक है? सो यहाँ पे बंदे सिंपल खेल रहे हैं। सो कमेंट में मैंने पिन कर दिया व्हाट्सअप नंबर, जिसको कॉइन्स जेम्स जितना भी लेना हो, ठीक है, चाहे जितना भी लेना हो, मुझे कमेंट में पिन किया हुआ है, फ्री नहीं है, ठीक है? सो वहाँ पे जाके मुझे मैसेज करो, जिसको लेना हो वही जाके मैसेज करना, ठीक है? सो प्लीज़ यार फ्री वाले मैसेज मत करना, वरना आपका भी टाइम पास होगा, मेरा भी, और कॉल मत करना और बार बार परेशान करोगे, जो सो फालतू का टाइम बोलोगे तो फिर ब्लॉक कर दिया जाएगा। टेक केयर गाइस, मिलते हैं बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियो में।